कभी कभी इतिहास अपना ऐसा रुख मोड़ लेता है जहाँ पे कुछ चीज़ें इस दुनिया से बिल्कुल अधीन लगने लगती हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था कुछ मुगलिया तख्त के वक्त। उस समय किसी बेगम ने अपने माता पिता के लिए एक मकबरा बनवाया था। वो मुगलिया बेगम कोई और नहीं जबकि मुग़ल शख्सियत की सबसे बेहतरीन और उम्दा बेगम जहांगीर की बीवी नूरजहाँ थी। नूरजहाँ ने अपने माता और पिता के देहांत के बाद इस मकबरे को यमुना नदी के किनारे इस स्थान पर बनाया था जिसे हम इत्मादुद्दौला के नाम से भी जानते हैं। इत्मादुद्दौला की और भी बहुत सारी कथाएं इतिहास में प्रचलित मिलेंगी आपको। नूरजहाँ के पिता गियासुद्दीन बेग सबसे पहले अकबर के राज दरबार में काम किया करते थे, लेकिन जैसे ही नूरजहाँ की शादी जहांगीर से होती है, जहांगीर ने उन्हें वजीर बना दिया। वैसे तो जहांगीर और नूरजहाँ की शादी इतिहास में एक मुसलसल किस्सा बने हुए हैं, लेकिन जैसे ही नूरजहाँ के माता पिता की मृत्यु होती है, नूरजहाँ ने ये मकबरा बनाया। और ऐसा कहा जाता है कि ये उस समय का सबसे पहली ऐसी इमारत थी जिसे सफ़ेद संगमरमरों से बनाया गया था, यानी कि ये ऐसी इमारत है जो ताजमहल के बनने से पहले बनी हुई थी। तो शायद कहीं ना कहीं इस इत्मादुद्दौला को बेबी ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन हमारे हिसाब से इसका नाम बेबी ताजमहल नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसी इमारत है जो ताजमहल के बनने से पहले बनी थी, यानी इसके साँचे और नक्काशियों को देख कर ताजमहल के बनाने का अंदाज़ा लगाया गया था। तो आज हमारे कहानी का मेन मुद्दा ये था कि किस तरीके से एक ऐसे समाज में जो पुरुष प्रधान समाज था, वहाँ से एक महिला, एक औरत ने एक ऐसा मकबरा बनाया जो सिर्फ उसके माता पिता के लिए बना और जिसे इतिहास में कई दिनों तक जाना गया। वैसे तो नूरजहाँ के नाम का प्रचलन जहांगीर के तख्तों ताज के समय भी था। उस समय सिक्कों पर जहांगीर के नाम के साथ साथ नूरजहाँ का नाम भी आया करता था। इसके साथ साथ शाही दस्तावेजों पर जहांगीर के हस्ताक्षर के साथ साथ नूरजहाँ के हस्ताक्षर भी लिए जाते थे। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से नूरजहाँ ने अपनी ख्याति बरकरार रखी थी। तो हमारा और आपका सफ़र ख़त्म होता है बस यहीं तक। मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में।